हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7-8 बजे का, और सो के उठी हूँ। तो सो के उठते ही साथ सोचा आज का पूरा दिन व्लॉग करूँगी, तो व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। अब मेरे साथ रहिए और देखते जाइए कि मैं आगे आगे क्या करती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, उसमें चिया सीड पिए, और उसके बाद सबसे पहले चाय। चाय के बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। मुझे चाय जो है ना, वो मेरी एनर्जी को और मेरे दिन को बूस्ट करती है, एक धक्का देती है तो गाड़ी आगे चलती है। तो मैंने सबसे पहले चाय रखी, उसके बाद चाय के साथ मैं खाऊंगी केक पीस। रात को जो मैंने केक बनाया था, अभी दिखाती हूँ आपको वो केक। मैं अभी इंजॉय करूँगी अपनी चाय के साथ। गुड मॉर्निंग, स्टे विद मी। ऐसा ही है घर का व्लॉग। देखें, ये है वो यम्मी डिलीशियस केक जो मैंने बनाया था। और हाँ, आप में से कौन कौन है ऐसा जिसका दिन चाय के बगैर स्टार्ट नहीं होता, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं तो अपनी चाय बना के ले आई हूँ, आपको भी पीनी है तो जाएं फटाफट से चाय बनाएं। और हाँ, ये यमी केक इतना कोई यमी बनाए। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो 1 से 2 दिन में मैं इसकी रेसिपी जो है वो अपने कुकिंग चैनल पे खापा पे डालूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, सुबह की चाय के साथ मेरा मोस्ट फेवरेट काम, मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे फेवरेट व्लॉगर्स के व्लॉग देखती हूँ, ये करके फिर मिलती हूँ आप। चाय पीते पीते मेरा फेवरेट मशगला बाहर आके धूप में बैठ के चाय पीना, इतनी कोई मज़े की धूप है ना। और शायद मैं आई भी 3-4 दिन बाद हूँ धूप में, मज़ा आ गया यार। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा घरेलू व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि मैंने शायद पहले कभी ऐसे बनाए नहीं घर में व्लॉग्स, तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। बस वो तो क्वारंटीन चल रहा है तो घर में बना देती हूँ व्लॉग। धूप और चाय, क्या कॉम्बिनेशन है, एक धूप में बैठ के चाय पीने का और एक धूप में बैठ के ऑरेंजेस, नहीं होते वो जो कीनू होते हैं पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया लेकिन पाकिस्तान में बहुत किया है मेरी खाला के साथ, धूप में चारपाई पे बैठ के सहन में और कीनू छील के गोल गोल स्लाइस काट के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के खा के। सर्दियों की धूप में ऐसे कीनू खाने का जो मज़ा है ना, अगर आपके पास सहन है, सर्दियां हैं, कीनू हैं और चारपाई हैं तो, और चाट मसाला, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आता है। और हाँ, मुझे सुबह उठ के कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे घर की सफाई करना, क्लीनिंग करना सुबह उठ के मेरा फेवरेट मशगला है। कोई भी काम करना घर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और उस दिन सारे काम कर लो, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी आपके पास पूरा दिन होता है कि आप बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मॉल शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं काम करने के साथ साथ। और अगर देर से सो के उठो तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ नहीं होता, उस दिन शायद आप सिर्फ खाना भी बना लें तो बहुत बड़ी बात। तो मुझे सुबह सुबह उठना और सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी भी सुबह उठ के बुरा फील नहीं होता, अच्छा फील होता है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। आज चाय पीने के बाद सुबह, वो जो मॉर्निंग थी वो दोपहर में कन्वर्ट हो गई और दोबारा सो गई थी, इतनी नींद आ रही थी। और अब दोनों साथ उठे हैं, मैं और मान, और कर बना रहे हैं नाश्ता, लंच, वो जो सब साथ होते हैं, और वो भी व्लॉग कर रहे हैं और मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। तो पहले नाश्ता बनाते हैं फटाफट। रात को मैंने काली दाल बनाई थी, उसके साथ ऑमलेट बनाऊँगी, और बस इस तरह मिला जुला के नाश्ता करेंगे। अब ये अंडा जो बेटा, इसमें ये सारी सब्जियां जो काट के डाली थी वो डाल दी, काट के रखी थी वो डाल दी।
अच्छे बच्चों की तरह अगर उसी वक्त आप सारी चीज़ें समेटते रहेंगे तो किचन बहुत ज़्यादा फैलता नहीं। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा छत्ता डालूंगी इसके अंदर। रेडी है ये। ऑमलेट मैंने फ्राइंग पैन में डाला है, अब फटाफट से मैं ये यहाँ ये जो बर्तन पड़े हुए ना ये धोती हूँ। साथ मान भी है। मान आप क्या कर रहे हैं? गरम कर रहा हूँ, ये देखो अभी एक गरम होके निकली है और एक फ्राइंग पैन पे है, एक गरम होने के लिए बाहर रखी हुई है। तारीफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये सब्जियों वाला ऑमलेट। चाइनीज की रेसिपी सारी बना ली थी ना, डायरेक्ट कर दो। हाँ, सब्जियों वाला ऑमलेट कभी मुझसे सीधा बना हो बोल। अंडा बनाने में बहुत ही कोई बड़ी फेलियर हूँ, सब सुन लेगा आज ये बात। नाश्ता रेडी है और हम दोनों भी रेडी हैं खाने के लिए, खा के फिर आपसे मिलते हैं। शदीद भूख लग रही है भाई। बहुत ज़्यादा। हाँ जी गाइस, तो मैं अभी अभी सारे कामों से फ्री होके और हॉट शावर ज़बरदस्ता लेके आई हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे आफ्टर शावर तीन काम जो मैं लाजमी करती हूँ और इससे पूरा दिन बहुत रिफ्रेशिंग गुजरता है, तो वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो है वो कोई भी अच्छा बॉडी स्प्रे लाजिम लगाना है आफ्टर शावर, जब आप चेंज करें उससे पहले लगा लें ये बॉडी स्प्रे, ये लाजिम बहुत रिफ्रेशिंग रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरा दिन आपके पास से, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पास से कोई स्मेल आ रही है, कोई पसीना आ रहा है, अगर ज़्यादा तब भी आप बिल्कुल रिफ्रेश रहते हैं। नंबर टू, कोई भी बॉडी बटर बॉडी क्रीम जो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखे। अच्छा, ये जो बॉडी स्प्रे मैंने यूज़ किया ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का था, और बॉडी क्रीम जो है वो भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की है। इसके अलावा जो तीसरा और लास्ट सबसे मज़े का काम है वो है फेशियल सीरम, विटामिन सी का फेशियल सीरम। बहुत अरसे से तो मैं यूज़ नहीं कर रही, तकरीबन 3 हफ्ते हुए होंगे इसको मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत औसम है। तो इस तरह से फ्यू ड्रॉप्स अपने फेस के ऊपर इसको लगाएं और ऐसे अच्छे से रब करें, आईज से दूर रखें। जो भी फेशियल सीरम आईज और डार्क सर्कल्स का नहीं हो वो उसको आंखों से दूर रखें तो बेस्ट है। सो ये थे तीन काम जो मैं लाजिम आफ्टर शावर करती हूँ, तो अब मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बेनिफिट्स आपको बताऊंगी इसके क्या फ़ायदे हैं ऐसा करने के, ताकि आप उसको रोज़ाना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे पहले तो बॉडी स्प्रे की बात करते हैं। बॉडी स्प्रे बॉडी पे लगाया जाता है, कपड़ों पे नहीं लगाया जाता, कपड़ों पे परफ्यूम लगाई जाती है। बॉडी स्प्रे जो है वो बॉडी के ऊपर यूज़ होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बॉडी के बहुत क्लोज करके लगाएं, आप दूर से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो आफ्टर शावर बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, उसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा दिन आप चाहे बाहर जाएं, घर में रहें, जो भी काम करें, कुछ भी करें, तो आपको काम करने से या गर्मी हो तो गर्मी से या बाहर जाके गर्मी में फिरने से पसीना आता है। अगर आप बॉडी स्प्रे नहीं लगाते तो पसीना जो है वो जब सूखता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पसीने में स्मेल नहीं होती, वरना हल्की फुल्की हर किसी के हर इंसान के पसीने में स्मेल होती है, तो वो स्मेल बॉडी स्प्रे ख़त्म कर देता है। वो स्मेल पसीना आता है, पसीना सूख जाता है, लेकिन बॉडी स्प्रे की खुशबू जो है वो पसीने की स्मेल को दबा के रखती है और उसे बहुत ज़्यादा जल्दी उभरने नहीं देती, कि जिससे आप अगर किसी से मिल रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, किसी के बराबर में बैठ रहे हैं, किसी वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं, या कहीं भी आप किसी भी दूसरे इंसान के क्लोज जा रहे हैं, तो उसको आपके पास से स्मेल नहीं आएगी। तो बॉडी स्प्रे आफ्टर शावर लगाने का फ़ायदा ये होता है। अब आ जाते हैं नंबर टू, मॉइस्चराइज़र पे, बॉडी लोशन पे, बॉडी क्रीम पे। उसका क्या बेनिफिट है और क्यों लगानी चाहिए? हमारी स्किन जो है वो मौसम के हिसाब से और अपनी हमारी अंदर जो हमारी बॉडी में चेंजेस होती हैं उसके हिसाब से वक्तन फवक्तन चेंज हो रही होती है। जिस दौरान हम कम पानी पीते हैं हमारी
स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी स्किन खुश्क हो जाती है अंदरूनी तौर पे। जिस टाइम पे विंटर होता है, बाहर सर्द मौसम होता है, खुश्क मौसम होता है, ऑटम या विंटर चल रहा होता है, उस टाइम पे हमारी स्किन खुश्क हो जाती है। स्किन अगर आपकी स्किन ड्राई है या खुश्क हो जाती है, हर थोड़ी देर में आपको फील होता है कि आपकी स्किन जगह जगह से खुश्क हो जाती है, कोहनियों के पास से, घुटनों के पास से, टखनों के पास से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोई भी क्रीम, ऐसी क्रीम जो आप बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो निविया हो गई, वो डव हो गई, वो जॉनसन्स की कोई क्रीम हो गई, वो निविया का कोई लोशन हो गया, ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी वाली हो, कोई भी नॉर्मल एक अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र आप अपने जिस्म पे अगर आफ्टर शावर लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट, मुलायम और नरम रहेगी, ड्राइनेस नहीं होगी। ड्राइनेस नहीं होगी तो आपको डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ नहीं होंगी। अब आ गया नंबर 3, फेशियल विटामिन सीरम। विटामिन सी का किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, उसका सीरम अगर आप लेते हैं और यूज़ करते हैं तो उसके जो फ़ायदे होंगे उसमें नंबर 1 पे ये है कि जब इंसान की एज जो है वो 30+ होती है तो स्किन जो फेशियल स्किन होती है, फेस की जो स्किन होती है, वो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। वो एज के हिसाब से रिंकल्स आ जाते हैं, टू टोन्स हो जाती है, जगह जगह से अंडर आई जो सर्कल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों को सही रखता है और सही रखने में मदद देता है विटामिन सी का सीरम। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और मैं बना रही हूँ इंडोमी। और मैं और मान मेरे साथ सिर्फ बातें करने के लिए खड़े हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कोई किचन में काम करूं और मान मेरे साथ जो है वो खड़े होकर बातें करे साथ में, बस खड़े भी रहे ना खाली तो भी बहुत अच्छा लगता है, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े काम करवाती रहती हूँ ना उनसे, कैसे घूम रहे थे पीछे। तो हम बनाएंगे इंडोमी, 3 अलग अलग के फ्लेवर मिला के, 3 अलग अलग के फ्लेवर क्या होता है, 3 अलग अलग फ्लेवर मिला के एक, आज अपनी रेसिपी बताती हूँ आपको इंडोमी की, ज़बरदस्त किस्म की। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कैटल में पानी गर्म किया ताकि चूल्हे पे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बहुत 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 पानी है। ओह, तो इंडोमी में से मैंने इंडोमी के जो मसाले होते हैं वो अलग कर लिए हैं। अच्छा यार, कोई मुझे बताएगा, ये मुझे समझ नहीं आता, हमेशा इस वाले चिकन, क्या नाम है, बलदी चिकन फ्लेवर, ये वाले इंडोमी के अंदर से सिर्फ मसाला निकलता है, ये वाला ऑयल नहीं निकलता, किसी को पता है इसकी वजह? क्या रखना भूल जाते हैं, क्या होता है? नहीं नहीं, उसमें डलता नहीं होगा ना। हाँ मुझे पता। इंडोमी तो बन रही है वीडियो ना। हाँ हाँ बन रही। गरम पानी डालने का फ़ायदा ये हुआ है कि इंडोमी फौरन बॉयल होना शुरू हो गया है। अच्छा, जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होगा, ये सारे साचे जो हैं, ये हम साचे फूल के इसके अंदर डाल देंगे मसालों के। तो ये बिल्कुल ड्राई इंडोमी बनेगा, सूपी नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपको सूपी रखना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें। अब इसी स्टेज पे ये जो ये हरी मिर्च डाल रहे हैं, बारीक बारीक काटनी है, बिल्कुल थिन। ये मैंने बचा लिए क्योंकि हरी मिर्च अगर तेज़ हो गई तो मान नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, सिरका भी डलेगा इसमें, कुल 1 टीस्पून के जितना वाइट विनीगर जो होता है सिरका, ये 1/2 टीस्पून से भी कम। बस इसी, ये सारे मसाले, हरी मिर्च और सिरका डालते डालते ही इंडोमी रेडी हो गई है। अब इसमें आप जितना आपको बटर अच्छा लगता है, मैं 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ बस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बटर डालेंगे तो सिर्फ बटर का टेस्ट आएगा। इसी तरह बटर के साथ मिक्स करें, चूल्हा बंद करें, इंडोमी मस्त किस्म का रेडी है, इंजॉय करें इसको खा के। और अगर आपका भी देख के दिल कर रहा है और आपके पास इंडोमी अवेलेबल है तो आप बनाएं और खाएं और फिर बताएंगे कैसा बनाए, बेहतरीन किस्म का।
इंडोमी रेडी हो चुका है और इसके साथ ही ये था मेरा आज का छोटा सा क्वारंटीन का घर का व्लॉग। और जितने दिन से क्वारंटीन चल रहा है आज मेरा सुपर लेजी और सुपर बोरिंग डे था, फिर भी मैंने कोशिश की कि उसकी पॉजिटिव साइड आपको दिखाई जाए। तो ये छोटा सा व्लॉग था, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। बाय। और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें और मान का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सलमान इमदाद। अगर आपको नहीं पता, आप यहाँ पे नए हैं, तो जाके सर्च कर लें सलमान इमदाद और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।